ब्रिटेन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम की पत्नी और वेल्स की राजकुमारी कैट मिडलटन को कैंसर है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके इस बात का खुलासा किया। इस संदेश को शुक्रवार को जारी किया गया। इसके पहले सोशल मीडिया पर कैट मिडलटन के स्वास्थ्य को लेकर हलचल चलने लगी थी, खास तौर पर जब जनवरी में वो सर्जरी के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखी। वीडियो संदेश में कैट ने कैंसर का पता लगने की बात की और इसे एक बड़ा सदमा बताया। आखिर में कैट कहती हैं कि मैं ठीक हूं और हर दिन मजबूत हो रही हूं। कैट ने बताया कि वो कीमोथेरेपी ले रही हैं। जनवरी में कैट मिडलटन के पेट में सर्जरी हुई थी। उस दौरान ये कहा गया था कि ये गैर कैंसर थी, लेकिन बाद में जांच की रिपोर्ट सामने आई और कैंसर का पता चला। ये कैंसर किस प्रकार का है, इसके बारे में पैलेस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कैट ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हर दिन मजबूत हो रही हूं जो मुझे ठीक करने में मदद करेगी। उन्होंने इस कठिन वक्त में अपने प्राइवेसी को ध्यान में रखने की अपील की। ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल वक्त है। कुछ समय पहले ही किंग चार्ल्स को भी कैंसर का पता चला, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना बंद कर दिया था। कैट ने अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा, लंदन में जनवरी में मेरे पेट की बड़ी सर्जरी हुई और उस समय ये सोचा गया कि मैं बिना कैंसर के ही हूँ, लेकिन सर्जरी सफल हुई। बाद में मुझे पता चला कि कैंसर रिपोर्ट में मौजूद है, इसलिए मेरी मेडिकल टीम ने सलाह दी है कि मुझे कीमोथेरेपी का कोर्स करना चाहिए। फिलहाल इलाज शुरुआती चरण में है। कैंसर का पता चलना उनके लिए बड़ा सदमा था। विलियम और मैं अपने युवा परिवार के लिए इसे निजी तौर पर प्रोसेस करने और प्रतिबंधित रखने का हर स्वयंभव प्रयास कर रहे हैं। कैट और विलियम की शादी साल 2011 में हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, प्रिंस जॉर्ज, राजकुमारी शार्लेट, प्रिंस लुइस। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक शाही सूत्र के हवाले से खबर सामने आई है कि कैट ने फरवरी के अंत में कीमोथेरेपी की शुरुआत की थी। उन्होंने और विलियम ने इसका खुलासा करने के लिए अब तक इंतजार किया, क्योंकि शुक्रवार को उनके बच्चों के स्कूल की इवेंट की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वीडियो संदेश में कैट ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने संदेश देते हुए, सर्जरी से उबरने और इलाज शुरू करने में मुझे समय लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जॉर्ज, शॉल्टर और लुइस को उनके लिए उचित तरीके से सब कुछ समझाने और उन्हें आश्वस्त करने में हमें समय लग गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। कैट ने ये नहीं बताया कि उन्हें किस तरीके का कैंसर है, लेकिन शाही परिवार में हुई ये हलचल अब पूरे दुनिया में काफ़ी चर्चाओं में है।